Clap your hands and groove to the beat. Once more. Hey, hello, this is DSP. Everybody put your hands and groove to the beat. शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो आ चुका हूँ एक और एक नया ट्रेंडिंग और ट्यूटोरियल वीडियो लेके, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आप स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये जो स्टेटस है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके का ट्रेंडिंग स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो, बिना स्किप किए एंड तक देख लेना, आप भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे इसी तरह ट्रेंडिंग और लेटेस्ट ट्यूटोरियल देखने को हर रोज़ मिलता रहेगा। और ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करके रखना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, अगर आपको HD इमेजेस और HD स्टेटस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको ये वाला एटमोशन ऐप चाहिए, मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करना, पिन क्या हुआ मिल जाएगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन से आपको सभी मटेरियल को डाउनलोड कर लेना है, XML को डाउनलोड कर लेना है और सॉन्ग को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जो XML आपको एक ही XML देखने को मिलेगा, सिंपल से आपको डाउनलोड करना है, एलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है। अगर आपका एलाइट मोशन प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हुआ है तो जो XML है वो इंपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। सो आपको अब क्या करना है, एलाइट मोशन को ओपन करना है, जो XML है इंपोर्ट करना है, प्रोजेक्ट पे जाना है, XML को ओपन करना है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये लेयर देख रहे हो, ये सब आपको इमेजेस ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पे इमेजेस ऐड करना है और आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, जो सॉन्ग है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। डिस्क्रिप्शन पे आपको सॉन्ग का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना है और आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको फॉन्ट्स भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आपको सिंपल से जो फॉन्ट्स है उसको भी डाउनलोड कर लेना है और आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। एलाइट मोशन में फॉन्ट्स को ऐड कर लेना है। फॉन्ट्स को ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको भी दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको जो लिरिक्स है इस पर क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट में आना है, फॉन्ट्स पे जाना है, जो KGKS फॉन्ट्स है इसको सिलेक्ट करना है, राइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जितना भी लिरिक्स है सभी लिरिक्स पे आपको ये वाला फॉन्ट्स आपको यहाँ पे ऐड करना है, इस तरीके से आप देख सकते हो। जितना भी लिरिक्स है सभी लिरिक्स पे आपको ये वाला फॉन्ट्स ऐड करना है। ये वाला जो फॉन्ट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, चेक जरूर कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। जितना भी लिरिक्स है सभी लिरिक्स पे आपको ये वाला जो फॉन्ट्स है सिंपल से ऐड कर लेना है। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे फाइल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको फाइल्स देखने को मिलेगा, आपको बस यहाँ पे इमेजेस को ऐड करना है, ठीक है। तो स्किप मत करना, ध्यान से अच्छे से देख लेना। जो फर्स्ट लेयर इस पर क्लिक करना है, आपको कुछ यहाँ पे दिखाई देगा, मीडिया नॉट फाउंड दिखाई देगा, आपको सिंपल से ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इमेज ऐड करके रखा था, इसलिए आपको यहाँ पे इमेज दिखाई देगा, लेकिन आप जब XML को इंपोर्ट करोगे तब आपको यहाँ पे इमेज दिखाई नहीं देगा, मीडिया नॉट फाउंड दिखाई देगा, ठीक है। आपको सिंपल से क्या करना है, स्टार ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा मीडिया नॉट फाउंड, आपको सिंपल से स्टार ऑप्शन पर क्लिक करके जो इमेज है आपको सिंपल से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो भी इमेज होगा आपको सिंपल से ऐसे सिलेक्ट कर लेना, मान लीजिए मैं यहाँ पे ये वाला इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। प्लस पे क्लिक कर देना, इस तरीके से आपको क्या करना है, इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आप देख सकते हो पे डबल बिटमार्क है, उसके बाद आपको यहाँ पे सिंगल बिटमार्क दिखाई देगा, ठीक है। सिंगल बिटमार्क यहाँ पे आपको तीन इमेज दिखाई देगा, उसके बाद फिर से डबल बिटमार्क आएगा। तो जो तीन जो लेयर है, तीन लेयर पे आपको क्या करना है, सेम इमेज ऐड करना है, ठीक है। लेयर पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आएगा, आपको ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा मीडिया नॉट फाउंड, सिंपल से क्लिक करना है। जो भी इमेज आप ऐड करना चाहते हो सिंपल से आपको क्या करना है, इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से इमेज को सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है। तीनों लेयर पे आपको सेम इमेज ऐड करना है, ये जो तीन लेयर है इन पे आपको सेम इमेज ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इमेज ऐड करके रखा था, इसलिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, तीन लेयर पे आपको सेम इमेज ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो इफेक्ट है एक इमेज के साथ ही आएगा, आप अलग अलग चेंज करोगे तो कुछ इस तरीके से नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से डबल बिटमार्क आ गया, फिर से क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे दिखाई देगा मीडिया नॉट फाउंड, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, सिंपल से आपको यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, प्लस पे क्लिक कर देना है, ठीक है।
फिर से आपको यहाँ पर सिंगल बिटमार्क दिखाई दे रहे हैं, सिंगल बिटमार्क आपको तीन सिंगल बिटमार्क वाला इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, लेयर दिखाई दे रहे हैं, तीनों पे आपको सेम इमेज ऐड करना है। कलर एंड फिल में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो भी इमेज आप ऐड करना चाहते हो सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट लेयर पे जाना है, कलर एंड फिल में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, सेम इमेज सिलेक्ट करना है जो आपने सिलेक्ट किया था, ठीक है। इस पे भी आपको यहाँ पे क्या करना है, सेम इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, फिर से डबल बिटमार्क आ गया, फिर से आपको यहाँ पे कुछ और इमेज ऐड करना है। डबल बिटमार्क आपको जो भी इमेज आप ऐड कर सकते चलेगा, ठीक है। जो सिंगल बिटमार्क है, सिंगल बिटमार्क पर आपको क्या करना है, एक इमेज ही ऐड करना है, जो तीन इमेज तीन लेयर है, तीनों लेयर पर आपको सेम इमेज ही ऐड करना है। इस तरीके से आप देख सकते हो सेम इमेज ऐड करना है सिंगल बिटमार्क वाला इमेजेस पे, ठीक है। डबल बिटमार्क पर आप कुछ भी इमेज ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो गाइज मैं फिर से आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आपको जो यहाँ पे डबल बिटमार्क दिखाई दे रहा है, ठीक है, डबल बिटमार्क के बाद आपको यहाँ पे जो तीन लेयर दिखाई दे रहा है, तीनों लेयर पे आपको सेम इमेज ऐड करना है, ठीक है। एक देख सकते हो आप, ये सब सेम इमेज ऐड करना है, फिर से डबल बिटमार्क आप दूसरा इमेज ऐड कर लेना, फिर से आपको यहाँ पे तीन लेयर दिखाई दे रहा है, तीनों पे आपको सेम इमेज ऐड करना है, ताकि कुछ इस तरह से लेफ्ट राइट आपको इफेक्ट देखने को मिले, ठीक है। फिर से डबल बिटमार्क आ गया, कुछ और इमेज ऐड कर लेना, फिर से तीन लेयर है, फिर से आपको क्या करना है, सेम इमेज ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद सीसी ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। आपको बस यहाँ पे क्या करना है, इमेज को ऐड करना है, वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।